छोटू ने कहा कि जेठिया किसी संघवी भाई के बर्थडे पार्टी में गया है, आने में लेट होगा। यहाँ हम सब लोग कब से उसकी राह देख रहे हैं, हम सब लोग भूखे बैठे हैं और वो लाट साहब वहाँ पार्टी मनाने गया है, उसको परिवार की कुछ पड़ी ही नहीं। नहीं नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं बहू, आज मैं शांत नहीं रहूंगा। और हाँ, जेठिया जब आएगा तो तू भी कुछ नहीं बोलेगी। जी जी बाबूजी। आने दे आज जेठिया, आज उसकी खैर नहीं। मम्मी, दादाजी बहुत गुस्से में, मैं पापा को फोन करूं? नहीं नहीं दीका, बापूजी ने तुम्हारे पापा को फोन करने के लिए मना किया है। पर पापा को भी आज ही इसी हैप्पी बर्थडे में जाना था। दानी, वो आएंगे तब क्या होगा? अरे मेरे यारा, मेरे दिलदारा, आज की मसाला थोड़ा की पार्टी तेरे दोस्त की तरफ से। क्यों भाई, किस खुशी में? ओए हाथ कंगन को आरती क्या, मसाला तोड़ा की पार्टी क्या? सूरी कहावत ऐसी है सूरी, हाथ कंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तनु समझ आ गया ना? चल लो बाबा, चल तो चल। ओ चलो जी, खाना बना हो गया? सूरी जेठल के घर पे तो टाइम टू टाइम खाना हो जाता है, सुविचार याद है ना? वहाँ क्या सुविचार लिखाया था चाचा जी, तुसी तो धन्य हो। ओ कितना बढ़िया सुविचार लिखवाया था चाचा जी। मेरा तो मानना है आज के बाद अपनी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में जितने भी परिवार वाले हैं वो लोग अपने अपने घर में मिल के एक साथ खाना खाएंगे। करेक्ट करेक्ट चाचा जी, उस उत्तम सुविचार के लिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, सुनिए गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूँ। चाचा जी जरा जेड़ा ब्रा को सोडा पीने के लिए भेजो ना। जवाब नहीं दिया। वो छोड़ना पिड़ू, वो जेठा प्रा को भेजने के लिए अंदर गए हैं। चल मेहता साहब को बुलाते हैं। हाँ। आजा। अब मेहता साहब। हाँ। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी ने खाना खा लिया, लेकिन इस पार्टी वाले जेठिया का कुछ ऐसा पता ही नहीं है। बापूजी आप शांत हो जाइए, टप्पू के पापा बस आते ही होंगे। हाँ तो मैं भी जेठिया के आने की राह देख रहा हूँ बहू, आने दो जेठिया को, आज उसकी खैर नहीं। अम्बे माँ, बापूजी के गुस्से को सहन करने की टप्पू के पापा को शक्ति देना। तुम भी हेलो, और मेरे तो आने दे यार, की कर रहे हो तुसी, थोड़ा पीने जा। हाँ यार लेट हो गया, सॉरी। चलो 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 भाई, मैं भी आ गया। लेकिन जिन्हें सोडा का सबसे ज्यादा शौक है वो हमारे हाथी भाई का है। हाथी भाई के क्लिनिक में पेशेंट है तो वो बाद में आएंगे। अरे पर जेठालाल भी नहीं आया अभी तक। थोड़ी देर पहले चाचा जी बालकनी में खड़े थे, हमने उनको बोला भी कि जेठालाल को नीचे भेज दो, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं है। ओ यारो, मैं जेठा प्रा को आवाज मार के अभी बुला लेता हूँ। एक मिनट भाई, तू रहने दे, तू आवाज लगाएगा तो जेठालाल नहीं सारी सोसाइटी बाहर आ जाएगी। मैं फोन करता हूँ ना अभी। करो ये करो। अरे लो पैसे बच गए, जेठालाल तो आ गए। आ भाई आओ। गोकुलधाम की पुरुष मंडली कहाँ चली, सोडा पीने? अरे पर तुम कहाँ जा रहे हो जेठालाल, हम तो इंतजार में थे कि तुम घर से आओगे और तुम तो बाहर से आ रहे हो। अरे वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी मंडल के नए अध्यक्ष बने संघवी भाई, तो उनकी आज बर्थडे पार्टी थी तो उसमें जाना पड़ा दुकान के बाद, और वहाँ के एक के बाद एक सब व्यापारी दोस्त मिलते गए तो बातों बातों में लेट हो गया। होता ही है जेठालाल, ऐसे ही होता है, पार्टियों में टाइम का पता ही नहीं चलता, खासतौर पे ऑफिस ऑफिस की पार्टी हो ना तो बहुत टाइम लग जाता है। मेरे ऑफिस में भी ऐसा ही होता है। अच्छा। यार वो पार्टी शार्टी का तो यही मतलब होता है, और सारी टेंशन भूल के मस्त मजा करो, मौज करो। और यारो इसलिए आज की सोडा पार्टी आपके प्यारे दोस्त रोशन सिंह सोडी की तरफ से। और यार प्रागो फटाफट बुला लो, वो तो है नहीं, फिर चलते हैं सोडा पीने। हाँ हाँ मैं बुलाता हूँ। बोलो आ गए यार भाई। आइए आइए यार भाई, आइए बबीता जी। हाय बबीता जी, आप भी सोडा पीने चल रहे हो? नहीं नहीं सॉरी भाई, हम तो बस हाथी भाई के पास जा रहे दवाई लेने के लिए। अरे क्या हो गया आपको? जेठालाल बबीता ठीक है, वो तो मेरे को शाम से सब वीकनेस और वायरल जैसा लग रहा है, इसलिए डॉक्टर हाथी के पास दवाई लेने के लिए जा रहे। सॉरी। कहाँ से लेके आए ये वायरल? कहाँ से लेके आए मतलब? अरे हो गया मेरे को। अरे ये यार शॉल वॉल पहन के रखो, नहीं तो बुखार ज्यादा हो जाएगा, साथ में जुकाम भी हो जाएगा। सॉरी, थैंक यू फॉर कंसर्न। लेकिन क्या है, डॉक्टर हाथी के यहीं तो जाना था, इसलिए मैंने कहा ऐसे ही चला जाता हूँ।
आजकल जिसको देखो उसको वायरल हो गया, नहीं मतलब सर? हाँ बिल्कुल। अरे भाई ये जब से मौसम बदला है ना, आप पूछो मत, मौसम के बदलाव के साथ ये वायरल तो हो गई। बबीता जी अभी अय्यर भाई को ये वायरल हो गया तो आपको खास ध्यान रखना होगा। हा? हाँ जेठा जी, मैं अय्यर का पूरी तरह से ध्यान रख रही हूँ। नहीं नहीं अय्यर भाई का नहीं, आपको अपना खास ध्यान रखना होगा। क्या घर में किसी एक को वायरल हुआ होता है ना तो दूसरे को तुरंत हो जाता है। हाँ बरोबर है, अय्यर वायरल में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए बबीता जी एक काम करो, आप ना अभी से गर्म पानी का वो बाप लेते जाओ और अदरक के वो रस में थोड़ा शहद मिला के थोड़ा थोड़ा पीते जाओ और थोड़ा थोड़ा अय्यर भाई को भी देना। अय्यर भाई अदरक का रस थोड़ा तीखा लगेगा लेकिन मन मक्कम करके पी लेना। और क्या आप कब से खो खो कर रहे हैं ना, उसमें आपको जरा राहत मिलेगी। हाँ वैसे आप सही कह रहे हो जेठा जी। झाड़ालाल यह दवा का जरूरत नहीं है, हम डॉक्टर आदि के पास दवाई लेने ही जा रहे हैं। नहीं वो बराबर है लेकिन ये वायरल ज्यादा फैला नहीं ना, इसलिए मैंने तो बोला, बाकी तो आपकी इच्छा है। हाँ बाबूजी। अरे तू सोसाइटी में आ गया फिर भी घर पे नहीं आया? आने में आई रहा था। ये आई रहा था वाली, तेरे में कुछ अक्कल वक्कल है कि नहीं? अक्कल वक्कल तो डूबो ये बापू जी भी बिना सोचे समझे सबके सामने कुछ भी चिल्लाते। अरे खड़े खड़े सोच क्या रहा है ऊपर? आ रहा हूँ बापू जी, आ रहा हूँ, जरा शांति रखिए। अरे क्या शांति रखिए, क्या शांति रखिए, यहाँ कब से घर में सब लोग तेरी खाने पे राह देख रहे और तू यहाँ खड़े खड़े टोल डब्बे कर रहे? अरे टाइम की कोई कदर ही नहीं है तुझे। अरे बाप रे, आज खाना खाने के लिए जल्दी घर आना था, मैं तो भूल ही गया। अरे अभी भी नीचे ही खड़ा है बेशरम। ऊपर बाप रे, चाचा जी पेट ले। माय गॉड, चाचा जी तो बहुत गुस्से में है। आज जयड़ालाल को बिना वायरल के बुखार चढ़ेगा। वो चाचा जी के गुस्से की गड्डी का इंजन फुल स्पीड पे गर्म हो गया। हा? अभी जेठा प्रा की खैर नहीं। सच में चाचा जी बहुत गुस्से में थे। तो जिस तरह से चिल्लाए और चाचा जी का जो तेवर था, मुझे लगता है जेठालाल की परेड होने वाली है। ये कोई वक्त है घर पे आने का? तुम्हें तूने वादा किया था ना यार टाइम पे घर पे आएगा और हम सब एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। हाँ बापू जी वादा किया था लेकिन मैं जरा फंस गया। फंस गया? फंस गया? अरे कौन से ट्रैफिक में फंस गया था तू भाई? यहाँ हम सब खाने पे तेरी राह देखते बैठे हैं, तेरी वजह से हम में से किसी ने खाना नहीं खाया और तू कहता है कि मैं फंस गया था। अरे सच क्यों नहीं बोलता कि तू पार्टी मनाने गया था? नहीं नहीं बापू जी, मैं पार्टी मनाने नहीं गया था। पलटी बात कहीं का? मैं पलटी नहीं मार रहा हूँ बापू जी, आप शांति से पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए। ये जो पार्टी थी वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी मंडल के नए अध्यक्ष बने संघवी भाई, उनकी बर्थडे पार्टी थी। अभी क्या है कि उनके साथ हमारे अच्छे धंधा के संबंध है तो उसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। अरे तो फोन करके बता क्यों नहीं? तेरे हाथ पे क्या मुंगी चढ़ गई थी? तेरे कारण मेरी पूरी शाम खराब हो गई। मेरे दोस्त प्रेम जी ने मुझे आज रात को भजन और खाने का आमंत्रण दिया था लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, आज हमने घर में एक साथ बैठकर खाना खाने का प्रोग्राम रखा है, मैं आज नहीं आ सकता। लेकिन ना तू घर पे टाइम पे आया ना मैं प्रेम जी के घर जा पाया। तो उसमें क्या बापूजी, आप कल चले जाना, वैसे भी आप सब दोस्त लोग रोज फ्री होते हैं ना। फ्री? फ्री? नहीं बराबर बराबर, हम सब बूढ़े लोग तो रोज फ्री होते हैं ना, लेकिन बहू ने पूरा दिन इतनी मेहनत करके जो खाना बनाया उसका क्या? बोल ले कि बहू भी पूरा दिन फ्री होती है ना? बिजी तो दुनिया में अकेला तू ही है ना? अरे दुकान के काम में इतना बिजी हो गया कि टाइम पे घर आना ही भूल गया। अरे हाँ बापूजी भूल गया। अच्छा मेरी बचाओ की टिकट बुक करवाई। भूल गया। अरे कब से बोल के रखा है तुझे लेकिन नहीं, घर के कोई काम तुझे याद नहीं रहते, सिर्फ दुकान के काम तुझे याद रहते हैं, परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं। अब जी दुकान में मेरा पूरा दिन कैसे जाता है वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ।
मार्च एंडिंग की वजह से आज पूरा साल का हिसाब लेकर मैं बैठा था, उसमें 3 लाख का हिसाब नहीं मिल रहा था, उसमें पूरा दिन मैं परेशान रहा, उसमें मैं रात को जल्दी घर आना भूल गया बापूजी, और भूल गया तो भूल गया बापूजी। दया, अगर मैं भूल गया तो तू मुझे फोन करके याद नहीं दिला सकती थी? वैसे तो दिन में 10 बार फालतू के फोन करती रहती है तू। टप्पू के पापा आज शाम को घर कब आ रहे हैं? आज शाम को आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? तो आज क्यों फोन नहीं किया? तेरा भी हाथ में मूंगी चढ़ गई थी। ए, ए, खबर ना जो बहू को डाटा है तो बहू को फोन करने से मैंने रोका था। मैं देख लेना चाहता कि तू घर टाइम पे आता है कि नहीं, परिवार को महत्व देता है कि नहीं। खुद गलती करता है और बहू को दोष दे रहा है। बापू जी आप जानते हैं मेरे लिए परिवार सब कुछ है, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, कोई कंप्यूटर थोड़ी हूँ कि हर चीज मुझे याद रहे। पर मुझे ऐसा लगा था कि मैं पार्टी में जाऊंगा, 10-15 मिनट रह के वहां से निकल जाऊंगा, लेकिन एक के बाद एक सब व्यापारी दोस्त मिलने लगे तो फिर बातों बातों में लेट हो गया। और लेट हो गया तो हो गया बापूजी, इसमें इतना हल्ला मचाने की क्या जरूरत है, वो भी पूरी सोसाइटी के सामने। अभी मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ बापूजी, जब देखो तब आप सबके सामने मुझ पर चिल्लाने लगते, गुस्सा करने लगते। अच्छा, मतलब मेरा चिल्लाना तुझे बुरा लगता है? ठीक है, तो आज के बाद मैं ना तुझ पे गुस्सा करूंगा, ना चिल्लाऊंगा, और ना ही तुझसे बात करूंगा। तेरी मर्जी, मुझे जैसे जीना है वैसे जी। तो बापूजी देखिए वो बात नहीं, बापूजी मेरी बात सुनो, जिससे कह दे मुझसे बात ना कर। बापूजी खाना तो खा लीजिए। दया बापूजी को समझा ना, मेरा गुस्सा खाने पे क्यों निकाल रहे हैं? दादाजी, बापूजी, दादाजी, दया जा समझा ना, बापूजी को समझा ना प्लीज। बापूजी यार, अरे दोस्तों क्या बात है, जेठा भाई के घर से बहुत जोर जोर से आवाज आ रही थी। इसी वजह से तो टेंशन में बैठे हैं आती भाई। हाँ यारो, आज तो सोडा पीने का मन ही नहीं कर रहा है। लेकिन बात क्या है, क्या हुआ जेठा भाई को? ये पूरी मुसीबत की जड़ भीड़ है, सारा लफड़ा इसकी वजह से शुरू हुआ। भाई क्या जरूरत थी सुबह वो सुविचार लिखने की, कि जो परिवार एक साथ भोजन करता है उस घर में सुख समृद्धि और शांति का निवास होता है। हमारे पोपटलाल, तुम जानते हो ना वो सुविचार मुझे चाचा जी ने सुझाया था, फिर तुम मुझे कैसे बोल सकते हो? अरे भाई, लेकिन सुझाने वाले से ज्यादा जिम्मेदार लिखने वाला होता है। उस सुविचार के रामायण की वजह से अभी जेठालाल और चाचा जी के बीच में महाभारत छिड़ गई। भाई सुबह मैंने कैंसिल बोला भी था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। हाँ पिडू, पोपटी यह गल तो सही है। अरे क्या सही है सुड़ी, ये बाप बेटे के झगड़े में तुम लोग मुझे क्यों खींच रहे हो? चाचा जी के गुस्से के लिए मैं रत्ती भर भी जिम्मेदार नहीं हूँ। बोलो। ओ पिड़ो यार, तू तो मजाक में सीरियस हो गया। अरे भाई कोई मुझे क्लियर बताएगा कि बात क्या है? मैं बताता हूँ आते भाई, हुआ क्या। सबसे पहली चीज तो पिड़े, तुम बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हो उस गुस्से के लिए, और विचार तो अच्छा ही है ना भाई, परिवार को एक साथ बैठ के खाना चाहिए। और यही बात चाचा जी ने जेठालाल को कही कि भाई साथ बैठ के खाना खाएंगे, तुम जरा जल्दी आ जाना, और जेठालाल आने में लेट हो गए, इसलिए चाचा जी को जोर से गुस्सा आया और सबके सामने सोसाइटी में इतना जोर से डांटा कि पूछो मत। और मुझे लगता है मेहता साहब जेठाल ये बात भूल गया, वो पार्टी में चला गया, इसी बात का उनको ज्यादा बुरा लगा होगा। मेहता साहब आप जरा जेठाल को फोन करके पूछो चाचा का गुस्सा शांत हुआ कि नहीं। अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा फोन करना बिल्कुल ठीक नहीं। अभी मान लो मैंने फोन किया अभी और चाचा जी गुस्से में हुए तो फोन तोड़ देंगे। आपका फोन तो यहाँ है। अरे मेरा फोन नहीं बेटा, भाई जेठाल का फोन तोड़ देंगे ना। अब्दुल एक काम कर, फर्स्ट क्लास ठंडी 2 मसाला सोडा बना दे। मैं अभी जेठापुरा के घर जाता हूँ, चाचा जी और जेठापुरा दोनों को ठंडा सोडा पिलाता हूँ, दोनों सोडा पी के मस्त ठंडे ठंडे हो जाएंगे। हाँ।
अरे भाई भाई सोडी अभी तू ठंड रख भाई, तेरे जाने की जरूरत नहीं है सोडी। क्या है कि परिवार में छोटी मोटी अनबन होती रहती है और पिता पुत्र के बीच में थोड़ी सी बातचीत हुई है, ठीक हो जाएगा। वक्त हर जख्म को भर देता है, ये भी ठीक हो जाएगा। सही बात। भाई मुझे तो बहुत चिंता हो रही है कहीं चाचा जी और जेठालाल के बीच में बेवजह पंगा बढ़ न जाए। अरे भाई तुम सकारात्मक सोचो, नकारात्मक बात मत करो पोपटलाल। इस वक्त सकारात्मक सोचो कि सब कुछ अच्छा होगा और जेठालाल के घर में खुशी बनी रहेगी, कोई झगड़ा नहीं होगा। सही बात है मेहता साहब, घर में शांति बनी रहनी बहुत जरूरी है। क्या हुआ था, खाया बापूजी ने खाना? बापूजी तो खाना नहीं खाने की जिद कर रहे थे, लेकिन टप्पू ने और मैंने थोड़ा आग्रह किया तो मान गए, थोड़ा खाना खाया। टप्पू के पापा चलिए आप भी खाना खा लीजिए। नहीं दया मुझे इच्छा नहीं है। अरे पेट में थोड़ा अन्न जाएगा ना तो शांति मिलेगी। नहीं दया मुझे नहीं खाना। अरे बापूजी की बात का थोड़ी ना बुरा लगाते हैं। बुरा लगाने की बात नहीं है दया, लेकिन बापूजी हर बार मेरी परिस्थिति सोचे समझे बिना ही सबके सामने मुझ पर गुस्सा करने लगते हैं, मुझ पर चिल्लाने लगते हैं। अरे मैं वहाँ पार्टी में कोई नाचने झूमने थोड़ी गया था। माना कि मैंने घर पर जल्दी आने का वादा किया था, लेकिन वो संगवी भाई की पार्टी में जाना भी जरूरी था। अभी घर के साथ साथ मुझे धंधा भी देखना पड़ता है ना दया। हाँ हाँ मैं समझ सकती हूँ, आपको धंधे का टेंशन था, आपकी मजबूरी थी, पर बापूजी बड़े हैं ना, उनकी बात का थोड़ी ना बुरा लगाते हैं। अब सबके सामने आपको डांट दिया तो डांट दिया, उसको बुरा सपना समझकर भूल जाइए ना। चलिए थोड़ा खाना खा लीजिए। चलिए नहीं दया मुझे। टप्पू के पापा आप खाना नहीं खाएंगे ना तो मुझे भी भूखा सोना पड़ेगा, बहुत भूख लगी है। चलिए आप कपड़े बदल लीजिए, तब तक मैं हम दोनों के लिए खाना परोसती हूँ। जी सो जाइए, मुझे नींद नहीं आ रही, तू सो जा। दादाजी बिना वजह गुस्सा मत कीजिए, सब भूल जाइए, पापा को माफ कर दीजिए। अच्छा मतलब तुझे भी मेरा गुस्सा बिना वजह का लग रहा है? नहीं नहीं दादाजी, आपका गुस्सा तो मुझे प्यारा और मीठा लगता है, लेकिन दादाजी पापा से भूल हो गई, सब भूल जाइए, उन्हें माफ कर दीजिए ना। देख टप्पू, इस दुनिया में किसी भी बेटे को कभी भी अपने पिताजी की कोई भी बात का अनादर नहीं करना चाहिए, समझा? ये बात तू भी याद रखना। मुझे एक बात बता, तू जब तेरे पापा की कोई बात नहीं मानता है तो जेठिया को बुरा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। हाँ तो फिर मुझे भी बुरा लगेगा ना, मैं भी उसका बाप हूँ। लेकिन दादाजी। तू चुपचाप सो जा बेटा। चंपक चाचा चाहते थे कि पूरा परिवार साथ में खाना खाए, लेकिन जेठालाल आने में देर कर बैठे और यही बात चंपक चाचा दिल पे लगा बैठे, आहत हो गए, और इस वजह से चंपक चाचा और जेठालाल के बीच में तू तुम्हें में हो गए। अगर पुराने जमाने के हिसाब से सोचें तो चंपक चाचा बिल्कुल ठीक है, नए जमाने के लिहाज से बात करें तो जेठालाल ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं है तो वो है गुस्सा। दोनों का है गुस्सा, बिल्कुल नशे की तरह है, सर पे चढ़ जाए तो किसी की नहीं सुनता और जब तक न उतरे किसी को पास आने नहीं। देखना ये होगा कि क्या होता है आगे, लेकिन मैं अपने परम मित्र जेठालाल को जानता हूँ, वो अलग ही मिट्टी के बने, नरम दिल है, वो अपने रूठे हुए पिताजी को मनाने के लिए सारे हथकंडे आजमा लेंगे, लेकिन अब देखना ये है कि चाचा जी को मनाने में कहीं वो और ज्यादा गुस्से ना हो जाए। भाई जेठालाल का क्या हाल होता है इनको मनाने में, लेकिन आपका हंसते हंसते बुरा हाल होगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए हंसते। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.